सीपत के शासकीय मदनलाल शुक्ल महाविद्यालय सीपत में भूतपूर्व छात्रों का एल्युमिनी बैठक हुआ और इसमें महाविद्यालय के विकास हेतु कार्यकारिणी का गठन किया गया। छात्रों ने अपने गुरुजनों से सम्मान पाकर गौरवान्वित हुए और सहपाठियों के बीच अनुभव को साझा करते हुए कहा कि छात्रों और महाविद्यालय के हित को ध्यान में रखकर उत्तरोत्तर विकास करने का निश्चय किया गया। महाविद्यालय के एल्युमिनी की नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष राजेंद्र धीवर, उपाध्यक्ष प्रणव शर्मा, सचिव प्रदीप पांडे, कोषाध्यक्ष विनय कश्यप, सचिव सहित 10 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए। इस अवसर पर भूतपूर्व छात्रों महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आईपी गुप्ता व संचालन प्रोफेसर मीना बखारिया ने किया। सीपत से प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।